तो दोस्तों आज हम देखेंगे सोमवार की ट्रेडिंग निफ्टी फ्यूचर की और ऑप्शन राइटिंग की भी और बैंक निफ्टी फ्यूचर की भी। तो दोस्तों हफ्ते का पहला दिन है और शुरुआत में ही मार्केट में बहुत कमजोरी दिख रही है मुझे। आप ये देख सकते हो नीचे के साइड से एक रिट्रेसमेंट दिया है, खुलते ही एक डाउनफॉल फिर एक रिट्रेसमेंट, लेकिन अभी यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों एंगसेंग का मार्केट आज बंद है और डाउ फ्यूचर भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट टूटा हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे 150 क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ निफ्टी जनवरी फ्यूचर की। उसका प्राइस जो चल रहा है 12,180 के आसपास और निफ्टी स्पॉट दोस्तों 12,200 क्रॉस करने की सोच रहा है, लेकिन वहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो दोस्तों कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, 80 लोग एक्सपायर हो चुका है, मर गए वहाँ पे चाइना में, और US और दूसरे जो एशिया के जो कंट्री है वहाँ भी फैला हुआ है। तो इसके कारण जो मार्केट बहुत सारे वीक हो चुके हैं और अभी बहुत डर फैला हुआ है। अभी इंडिया में पता नहीं, नई कोई न्यूज़ आई नहीं है कोरोना वायरस की, लेकिन एक ग्लोबल मार्केट का जो डर है कोरोना वायरस का, वो इंडिया में भी इफेक्ट करेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसीलिए यही रीज़न से मार्केट सब टूटे हुए हैं। देख सकते हो 12,180 के आसपास निफ्टी स्पॉट, और दोस्तों मैंने 225 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की है। देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में 12,000 अभी 180 के नीचे जाना चाहिए, 225 क्वांटिटी अभी 270 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का जो ये चार्ट है अमी ब्रोकर में, ऊपर के लेवल से गिरने के बाद थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। मैंने जो लेवल दोस्तों दिया थे टेलीग्राम में उसी के मुताबिक परफेक्ट वर्क कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा। मैंने शुरुआत में सुबह की लाइव स्ट्रीमिंग में बोला था कि ऊपर निफ्टी के हाई पे ही गैप अप पे ही हमें सेल करना चाहिए, जनवरी फ्यूचर का जो लॉट हो या फिर बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का जो लॉट हो, दोनों भी जो भी आपको करना है वो, तो निफ्टी के हाई पे ही बेचना चाहिए। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा। यहाँ पे जनवरी फ्यूचर की जो दोस्तों प्राइस आ चुकी है 12,203 के आसपास चल रही है यहाँ पे, और आप ये लाइव अभी ट्रेडिंग देख रहे हो मेरी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है नीचे के लेवल से, 12,209 पे आ चुका है निफ्टी स्पॉट अपने हाई पे। तो लगता है कि इतने सारे जो ग्लोबल न्यूज़ है कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, तो लगता नहीं कि यहाँ पे 12,200 का जो लेवल है या शुरुआत में एक बार तो डेफिनेटली ये तोड़ के नीचे 12,260 की ओर निफ्टी बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा, अभी यह 2700 रुपये का लॉस यहाँ पे बचा है। तो दोस्तों क्वांटिटी ज़्यादा है तो लॉस भी यहाँ पे ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी अगर होगा तो भी ज़्यादा ही होगा। तो आज क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है और थोड़ा मैं डेफिनेटली मैं वेट करूँगा, क्योंकि जो न्यूज़ है वो बहुत ही इफेक्टिव है। इतने सारे मार्केट गिरे हुए दोपहर जो आफ्टरनून में जो यूरोप के जो मार्केट खुलेंगे क्या डेक्स पूछी, वो भी गिरावट के साथ ही खुलने के आसार है, इसीलिए मैं डेफिनेटली होल्ड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 225 क्वांटिटी माइनस, यानी तीन लॉट को दोस्तों सेल मैंने किए हुए हैं। और ये निफ्टी का चार्ट देख सकते हो 12,200 के आसपास यहाँ पे झूल रहा है अभी, कभी 10 पॉइंट ऊपर जाता है कभी 10 पॉइंट नीचे जाता है। तो लगता है कि 1 बजे के बाद ही ये नीचे के साइड रिट्रेसमेंट दे सकता है। अभी सिर्फ दोस्तों 1,000 रुपये का लॉस यहाँ पे बचा है। आप ये देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग की सोच रहा हूँ, कॉल राइटिंग की। तो 12,400 का एक कॉल है, देख सकते हो 6 रुपया 15 पैसा का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं क्वांटिटी यहाँ पे नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं बाद में एवरेज कर सकूँ। तो 450 क्वांटिटी और स्टॉप लॉस 12 का बाद में मॉडिफाई कर लूँगा मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों 0 रुपये का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि 6 रुपया 10 पैसे ही चल रहा है यहाँ पे, और 6 रुपये 10 पैसे में मैंने सेल किया है तो 0 रुपये का प्रॉफिट लॉस। ओके यहाँ पे आप ये देख सकते हो लाइव में, और थोड़ी देर बाद मैं अपडेट करता हूँ आपको। 12,190 पे आ चुका है निफ्टी स्पॉट, अभी देख सकते हो 45 रुपये का प्रॉफिट। थोड़ी देर बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी 6 रुपया 10 से प्राइस जो है वो आ चुका है 6 रुपये तक। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा, सिर्फ 1 रुपये का ही मेरा टारगेट है, ओनली 1 रुपीज़। तो देखते हैं थोड़ी देर में ये जो कॉल का प्राइस है वो नीचे कहाँ जाता है, 5 रुपये 25 का इसने लो बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो दोस्तों सिर्फ अभी 200 रुपये का लॉस इसमें बचा है मेरा, अभी यहाँ पे प्रॉफिट है मेरा 180 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट हो चुका है कॉल राइटिंग में, बहुत ही छोटा प्रॉफिट।
इसके जीरोधा की ब्रोकरेज शायद निकल जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने सेल किया है ब्रोकरेज निकालने के लिए। बाकी इतनी कम क्वांटिटी में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आउट द मनी का कॉल है। अभी दोस्तों मैंने 62 किया हुआ है यहाँ पे 225 क्वांटिटी को बाय करने के लिए ब्रैकेट ऑर्डर में 11:26 को, टाइम देख सकते हो ये रिफ्रेश में मैंने कर लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का फ्यूचर जनवरी का मैं यहाँ पे सेल करूँगा 40 क्वांटिटी यानी 2 लॉट को, 150 स्टॉप लॉस, 100 रुपये का टारगेट। तो बहुत ही ख़तरनाक और वाइल्ड मूव ये देता है, मैंने जस्ट अभी देखा तो इसका सेल का भी प्राइस हो या फिर बाइक का जो प्राइस है वो लगाना बहुत ही मुश्किल है। 20-30 पॉइंट तो यूं ही ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक पागल जैसा मूव होता है बैंक निफ्टी फ्यूचर का, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग में से। तो दोस्तों 31,125 पे मैंने रखा है 12:26 को, 31,125 पे है दोस्तों, ये 40 क्वांटिटी सेल हो चुकी है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अभी 400 रुपये का लॉस यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि 35 तक चला गया है इसका जो प्राइस है वो। 25 रुपये में दोस्तों सेल किया है बैंक निफ्टी फ्यूचर को। तो इसकी मूवमेंट कंपेयर करें हमारे निफ्टी फ्यूचर से तो बहुत ही ख़तरनाक मूवमेंट है बैंक निफ्टी की। 100 पॉइंट तो यूँ ही वोलेटाइल हो जाता है, तो कभी आपका जो ऑर्डर लगाने में आपका वो टाइम नहीं मिलेगा आपको, अगर कभी एंटर होना हो एग्जिट होना हो तो। इतने ख़तरनाक जैसी मूवमेंट है इसकी, तो आपको डेफिनेटली मार्केट पे ही इसको एग्जिट करना पड़ेगा जब भी प्रॉफिट हो रहा हो। तो देख सकते हो अभी 40-50 तक गया था, अभी आ चुका है 10 पे, तो इतनी वॉलेटिलिटी दोस्तों मैंने कभी नहीं देखी है। तो इसलिए दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं बैंक निफ्टी क्यों नहीं करता हूँ फ्यूचर में। तो आप ये अभी लाइव ट्रेडिंग में देख रहे हो, स्क्रीन ऑन स्क्रीन दिख रहा है आपको, 25 पे बेचा है, 50 जाके आया और अभी 10 नीचे के प्राइस 10 भी जाके आया और वापस जहाँ लिया था वहीं आके रुक गया है। तो इसमें डेफिनेटली मैं बैठा रहूँगा, अगर यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ा तो मैं दूसरा में 2 लॉट को या फिर 1 लॉट को मैं डेफिनेटली ऊपर के लेवल से सेल करूँगा। और निफ्टी वापस से दोस्तों 12,200 पे आ चुका है देख सकते हो यहाँ पे, तो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो लग रही है मुझे। जो रिटेल इन्वेस्टर है ट्रेडर है उन लोगों को ट्रैप करने के लिए वापस से दोस्तों 12,200 का लेवल टच किया निफ्टी ने, अभी वहाँ से गिर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो 1400 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है बैंक निफ्टी में, जो कि मैंने सेल किया है। तो दोस्तों ये पावर ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हो, वहाँ का सपोर्ट तोड़ा तो एक बड़ी कैंडल बन गई लाल कलर की और पूरा का पूरा मार्केट नीचे आ चुका। तो इसीलिए मैंने बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल है वहाँ पे डेफिनेटली रिस्पेक्ट करके चल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी। तो डेफिनेटली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल मैं देता हूँ डेफिनेटली नोट करके रखिए। टेलीग्राम चैनल में जो सुबह मैंने अपडेट किए थे देख सकते हो, अभी 2100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है बैंक निफ्टी में। मैं अभी यहाँ से एग्जिट कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे 31,100 का जो लेवल है बैंक निफ्टी फ्यूचर ने तोड़ दिया है। तो दोस्तों अभी चल रहा है 31,065, अभी बोलते बोलते भी 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो लेता है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ऐसे बहुत ही ख़तरनाक मूवमेंट है बैंक निफ्टी फ्यूचर की। अगर मैं 60 बोलूँगा तो वहाँ पे 80 हो जाएगा, वहाँ मैं 80 बोलूँगा तो यहाँ 50 दिखाएगा। तो अभी प्राइस कौन सा लगाए वो भी बहुत, इससे अच्छा है कि निफ्टी फ्यूचर में काम कर लो, कम से कम आपको ऑर्डर लगाने तो देगा शांति से, इसमें आपका बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम करोगे तो। अभी दोस्तों 67 की प्राइस आ चुकी है, मैंने 60 पे रखा है, अभी देख सकते हो कभी 65 होता है कभी 75 तक चला जाता है 75 तक। तो बहुत ही वॉलेटाइल है बैंक निफ्टी फ्यूचर, काम करने में मज़ा आता है, लगता है गैम्बलिंग जैसा है, वन टाइप ऑफ। अभी देख सकते हो 75 का लेवल है, वापस से दोस्तों 66 आ गया है, 66 आ गया। तो दोस्तों अभी 62 में जो मैंने रखा था कौन सा लेवल अभी देखना पड़ेगा ये बीच में। ओके तो देख सकते हो अभी 2600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है बैंक निफ्टी में, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया हूँ। अभी जो प्राइस आ चुकी है वो है 73 के आसपास। तो दोस्तों 60 में मैं निकल गया हूँ देख सकते हो, यहाँ पे बाय कर लिया है मैंने 31,060 पे। और ये जनवरी फ्यूचर की जो प्राइस है मैं 71 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से अभी एग्जिट होना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट आज मैंने बुक कर लिया है। तो अभी निफ्टी में से मैं जल्दी निकल जाऊँगा, 80 के नीचे दोस्तों जितना जाएगा मेरा वो प्रॉफिट है। अभी 78 के आसपास यहाँ चल रहा है। तो दोस्तों 71 मैंने रखा है, अभी 3400 रुपये का टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे आप देख रहे हो, 3500 रुपये। तो
तो बैंक निफ्टी में दोस्तों काम करके मज़ा आया, क्योंकि ये कसिनो जैसा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट है। अभी देख सकते हो 30 रुपये पे आ चुका है, 31,030 पे मैंने बेचा था 60 में। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें टारगेट और ऑर्डर को प्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। अभी वापस से दोस्तों 76 यहाँ पे चल रहा है निफ्टी फ्यूचर की जो प्राइस है। और ये चार्ट में देख सकते हो कितनी लंबी जो लाल कैंडल बनी है नीचे की साइड। और जब भी दोस्तों हम सेल साइड होते हैं कोई भी चीज़ में और लाल कलर की कैंडल देखे तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। अभी देख सकते हो 12,173 दोस्तों मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर मुझे लगे कि मार्केट बहुत यहाँ पे गिरावट और भी हो सकती है तो 73 का जो मैंने दोस्तों टारगेट रखा है बाय करने के लिए उसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अभी 1:01 हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर को मैं 61 दोस्तों कर लिया है मैंने, क्योंकि लगता है कि निफ्टी अभी गिरने को तैयार है। पूरे दिन 12,200 के आसपास से बिताया हुआ है, तो बहुत सारे जो बड़े रिटेल, जो बड़े निवेशक है, बड़े जो ट्रेडर है, उन लोगों ने 12,200 के आसपास बहुत सारी पोजीशन बनाई है सेल साइड। अभी एक साथ वो मार्केट को ऐसे गिराएंगे कि जो छोटे ट्रेडर है, छोटे निवेशक है, वो निकल नहीं पाएंगे और वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अभी मेरी नज़र है दोस्तों 80 पे, 12,100 और 84 पे चल रहा है। अभी देख सकते हो 80 का लेवल तोड़ के जो लाल कैंडल बनी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली सेल साइड में वेट कीजिए अगर आपका व्यू पॉजिटिव हो तो। 68 पे दोस्तों आ चुका है, मैं यहाँ पे 61 का जो ऑर्डर है वो यहाँ मॉडिफाई कर लूँगा थोड़ा। मैं 73 पे दोस्तों निकलने वाला था, अभी 65 में मैंने एग्जिट ये कर लिया है, तुरंत ही हो गया क्योंकि उसके आसपास ही चल रहा है अभी 65-64। तो दोस्तों निफ्टी स्पॉट ने 80 का लेवल तोड़ा है और निफ्टी फ्यूचर में भी मैं एग्जिट कर लिया है 65 पे, 225 क्वांटिटी देख सकते हो 13:14 को, यानी 1:15 बजे। तो पूरा दिन दोस्तों मैं यहाँ पे वेट मैंने किया है, देख सकते हो मैंने बेचा था 12,180 में 9:57 को, और मैंने बाय किया है 13:15 को। तो 10 बजे से दोस्तों 1 बजे तक मैंने वेट किया है। अभी ये 540 रुपये का प्रॉफिट इसमें भी हो रहा है, 4.90 रुपये चल रहा है। इसको मैं भी मैं स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, 5 रुपये के आसपास ये भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कॉल में। तो 4.75 रुपये का लो लगा है, अभी देखते हैं 4.90 चल रहा है, शायद निकलते हैं मार्केट पे अगर एग्जिट होता है ठीक है तो 5 रुपये में ही एग्जिट होगा। हर बार ऐसा होता है ऐसे ऐसे डायरेक्ट में 20-30 पैसे ऊपर ही एग्जिट हो जाता है। अभी 5 रुपये के आसपास है, शायद 5 में ही मुझे लग रहा है एग्जिट हुआ होगा, चलो देखते हैं। ओके, तो देख सकते हो 1,05 रुपये में ये बाय हुआ है, 450 क्वांटिटी, मैंने बेचा था 6.10 रुपये में, और ये 495 रुपीज़ का दोस्तों प्रॉफिट। 28 तारीख को ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, आप ये लाइव ट्रेडिंग में देख रहे हो अभी। तो दोस्तों 500 रुपये का प्रॉफिट मैंने इसमें बुक कर लिया है, और अभी जीरोधा में देखेंगे, और ये मेरा ऑर्डर बुक है, आप ये देख सकते हो ट्रेड बुक, 6.10 रुपये में बेचा था दोस्तों, 5 रुपये में बाई किया, और इसमें अभी प्रॉफिट देखूंगा मैं कितना हुआ मेरा। और ये चार्ट देख सकते हो अमी ब्रोकर में 12,179 के आसपास से रिट्रेस अभी कर रहा है यहाँ पे इसी लेवल पे। तो नीचे के जो दोस्तों सपोर्ट थे मैंने दिए थे लेवल, वो भी अचीव हो सकते हैं अगर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रही तो। आज की दोस्तों ट्रेडिंग ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग रही मेरे लिए, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने बनाया है आज के दिन। तो दोस्तों 5,975 रुपीज़ मैंने यहाँ पे मैंने बुक कर लिया है। बैंक निफ्टी में 2,600 रुपये बुक कर लिए दोस्तों, और निफ्टी फ्यूचर में 3,375 रुपीज़, तो 6,000 रुपये के करीब का इसमें भी प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, और 500 रुपये कॉल राइटिंग में भी। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली एक लाइक कर सकते हो, आपकी लाइक है वो बहुत काम आती है, तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हो। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।